इस वक्त की बड़ी खबर हनुमानगढ़ से है, जहां शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट और खाद्य सुरक्षा दल ने टाउन में दो दुकानों का निरीक्षण किया। टीम ने निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। यह कार्रवाई अग्रवाल डेयरी और रेड एप्पल फूड प्रोडक्ट पर की गई। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य आयुक्त सुनील शर्मा और जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के निर्देश पर खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षण दल में शामिल जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव ने दो दुकानों से जांच के लिए सैंपल लिए। उन्होंने बताया कि अग्रवाल डेयरी से पनीर का सैंपल लिया गया। सुभाष चौक के पास स्थित रेड एप्पल फूड प्रोडक्ट के निरीक्षण के दौरान 5 किलोग्राम नकली मावा मौके पर ही नष्ट करवाया गया। साथ ही मावा और मीठा मावा के सैंपल लिए गए। वहीं टीम ने सैंपलों को जांच के लिए भेज दिया है। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा ने बताया कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए निरीक्षण की कार्रवाई में तेजी लाई गई है। इसके तहत विशेष सघन अभियान शुरू किया गया है। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। युद्ध अभियान के विशेष अभियान के तहत आज यहाँ ये श्री स्वीट्स पे निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ से कलाकंद का नमूना लिया जाएगा। और इससे पहले मीनाक्षी स्वीट्स का एक कारखाने से मावा मिठाई का नमूना लिया गया है और ये कार्रवाइयाँ निरंतर दीपावली को देखते हुए जारी रहेंगी। आपने दो दुकानों का किया है मिठाई? हाँ, फिलहाल दो दुकान। क्या पाया मजदूरों का रहने का स्थान और साफ सफाई? हाँ हाँ, बिल्कुल साफ सफाई देखने का काम है और जो ठीक है तो, और इनको आगे के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि विशेष सावधानी रखें क्योंकि खाने के आइटम बनाए जा रहे हैं। क्या क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर? अब मिठाई है और इनका लाइसेंस है, किस तरीके से बना रहे हैं, सड़ी गली सब्जियां तो नहीं है, सड़ेगड़ा माल हो उसको खाने का काम।